पहला क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया एंड क्लेमाइटोमोनास आर रेस्पेक्टिवली। तो पहले आप ये देखिए, जो हेप्लॉन्टिक होता है उसमें एग्जांपल्स आते हैं बॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइटोमोनास। डिप्लॉयड में आएंगे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आएंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प। तो पॉलीसिफोनिया का है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और क्लेमाइडोमोनास के लिए हैप्लॉन्टिक। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स हैव और शो। तो सीड बियरिंग में आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है मियोसिस इन जाइगोट। तो जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। तो पहला ऑप्शन है गलत। दूसरा ऑप्शन गिवन है सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, ये सही है। और जो थर्ड दे रखा है मल्टी सेलुलर एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स, तो गैमेटोफाइट नहीं होता है इसमें, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ है अल्टरनेशन ऑफ डोमिनेंट गैमेटोफाइट विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है इनके अंदर डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट, और थोड़ी देर के लिए जो शॉर्ट लिव है उसमें आता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो फोर्थ भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दे रखा है यूकेलिप्टस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट स्पीशीज, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पेन ऑफ एंजियोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। सी दे रखा है एम्ब्रियो सैक इज अ थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर, तो ये गलत होगा क्योंकि ये होता है सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड। तो ए बी ट्रू है और सी फॉल्स है। तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है कोरलॉइड रूट्स हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम फॉर एंटू फिक्सेशन, ये गलत है। नेक्स्ट दे रखा हैव फंगल एसोसिएशन, लेकिन जो फंगल एसोसिएशन है ये पाइनस में देखा जाता है माइकोराइजा का, और जो कोरलॉइड रूट हैं वो साइकस में मिलते हैं, सो दे आर एसोसिएटेड विद एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज़ एन एवेंट यूनिक टू, तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, तो ये जिम्नोस्पर्म के लिए बताना ना हमको इसमें। ओके तो जो पहला है ये सही है। नेक्स्ट है लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड, ये भी जिम्नोस्पर्म्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड दे रखा है एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म आना चाहिए था, दैट एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये गलत है। डी दे रखा है द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन, तो डी भी सही है। तो ए बी और डी सही है, सी गलत है। तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज़ थ्री। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, पहला दे रखा है जिम्नोस्पर्म और ये बताया है कि होमोस्पोरस प्लांट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, उसमें दो टाइप के स्पोर्स देखे जाते हैं। तो पहला है मिसमैच, तो फर्स्ट आंसर होगा इसका। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, साइकस में पिन्नेट लीफ बता रखा है, ये सही है। एंजियोस्पर्म्स में नॉन आर्किगोनिएट फिनेरोगेम्स, मतलब इसमें आर्किगोनिया एब्सेंट होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में बता रखा है सिकोया इज टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है। और सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, जामिया। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू द क्लास टेरोप्सिडा, पहला दे रखा है इक्विसेटम, सो इट इज स्फेनोप्सिडा जिसके अंदर ये, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इक्विसेटम,
ये स्फेनोप्सिडा में आएगा, एडियंटम आएगा टेरोप्सिडा में। टेरोप्सिडा में दो और होते हैं, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस भी। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है सेलेजिनेला, ये आता है लाइकोप्सिडा में। और सिलोटम भी आता है लाइकोप्सिडा में, और सिलोटम आता है सिलोप्सिडा में। तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज, तो इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है और इंडिपेंडेंट होगा। तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, क्योंकि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन मेगास्पोरेंजिया इन द इज द इवेंट प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट विच फर्स्ट अपीयर्ड इन। सो ये होता है टेरिडोफाइट्स में, आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, राइजॉइड्स इन मॉसेस आर, तो ये मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच होते हैं। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला दे रखा है, स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस डॉर्सी वेंट्रल थैलस इन मॉसेस, तो ये लिवरवर्ट्स में होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोटोनेमा इन फर्न्स, तो ये मॉस में होगा, ये गलत है। गैमा आर नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवर्ट्स, तो ये ग्रीन होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पीट, तो जो स्फेग्नम होते हैं उससे हमको पीट मिलता है, आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, सो इट डिपेंड्स ऑन अ फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल एंड मोटाइल एल्गी, तो कॉलोनी किस में बनती है, वॉल बॉक्स में, एक पेरेंटल कॉलोनी और एक डॉटर कॉलोनी, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल इज सीन इन, तो पहला दे रखा है एक्टोकार्पस, इसमें होगा हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, स्पायरोगायरा में हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल होगी, और वॉल्फिया और फ्यूकस इनमें डिप्लोंटिक होगी, तो आंसर इसका सी एंड डी, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिलामेंटस एल्गी, तो स्पायरोगायरा, डिक्टियोटा और लैमिनेरिया, ये फिलामेंटस हैं, और जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर होती है, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मोटाइल गैमेट्स आर एब्सेंट, तो मोटाइल गैमेट्स एब्सेंट होते हैं रेड एल्गी में, और जो ग्रीन एल्गी है और ब्राउन एल्गी है उनके अंदर फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, लेकिन जो ग्रीन एल्गी है इसमें इक्वल होते हैं दोनों फ्लैजुला, और जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें अनइक्वल, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ रेड एल्गी। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्रोफिलस लीव्स एक्सेप्ट, तो लाइकोपोडियम में होगा माइक्रोफिलस लीव्स, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ब्राउन एल्गी आर, तो जो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए और बी, ये तो होगा ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में होगा क्लोरोफिल ए और सी, और जो रेड एल्गी होती है उसके लिए होगा क्लोरोफिल ए एंड डी, तो आंसर है अभी इसका थर्ड, क्योंकि इसमें ब्राउन एल्गी के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज, तो पहला दे रखा है इनकॉन्स्पिक्यूअस, इट इज़ करेक्ट। बी दे रखा है यूनिसेलुलर, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो ड्रायोप्टेरिस का प्रोथैलस है वो मल्टी सेलुलर होगा। सी बता रखा है हैप्लॉइड है, मतलब डिप्लॉइड है लेकिन हैप्लॉइड होता है, तो सी भी गलत है।
और डी में बता रखा है नॉन फोटोसिंथेटिक, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक होता है। ई बता रखा है फ्री लिविंग, इट इज़ करेक्ट, और मोनोशियस है, ये भी सही है। तो ए, ई और एफ सही है, बी सी डी गलत है। तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ ओनली ए ई एफ। नेक्स्ट है, इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन आर कैरीड टू द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बाय, तो ये एयर करंट्स, हवा लेके जाती है पॉलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप शो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसमें ये पूछा गया है कि कौन कौन से प्लांट ग्रुप है जिनके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। तो एल्गी तो प्रिमिटिव हो गए, उसके अंदर नहीं बनता एम्ब्रियो, ब्रायोफाइट्स में बनेगा, टेरिडोफाइट्स में और एंजियोस्पर्म्स में, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है, फ्लोरिडीन स्टार्च इज स्टोरेज फूड मटेरियल इन, तो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है रेड एल्गी का। तो पहला ऑप्शन है कारा, कारा आएगा ग्रीन एल्गी के अंदर, तो ये ऑप्शन गलत है, पोरफायरा रेड में आता है, तो ये सही है। थर्ड बता रखा है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस होती है ब्राउन एल्गी, तो इसमें भी नहीं होगा। और सिड्रस है जिम्नोस्पर्म, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम ड्यू टू ऑल द गिवन रीजंस एक्सेप्ट, सो पहले दे रखा है लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के फीचर्स हैं, और बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ओनली, तो ये नहीं होगा इसमें, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनेरिया, तो डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट और अल्टरनेट फेज होगा स्पोरोफाइट, क्योंकि फ्यूनेरिया है ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में आपको पता है ये डोमिनेंट होता है गैमेटोफाइट, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड एल्गी रीच द मैक्सिमम डेप्थ इन सी वाटर वेयर नो अदर टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो, दिस इज़ ड्यू टू अबंडेंट फॉर्मेशन ऑफ, और जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है फाइको एरिथ्रिन, उसकी वजह से, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाई, तो ये लीनियस ने हमारे पास बताया था, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू हेटरोस्पोरी वॉज फर्स्ट सीन इन प्लांट ग्रुप विच इज़, तो ये देखा गया था टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, नॉन आर्किगोनिएट्स एम्ब्रियोफाइट्स आर, तो दीज आर एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है, लाइफ साइकिल ऑफ फाइकस इज, तो इसमें डिप्लोंटिक आएगा। नेक्स्ट है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल इन, तो ये देखा जाता है यूनिसेलुलर एल्गीज में, दैट इज क्लेमाइडोमोनास, और जो केल्प है, एक्टोकार्पस और पॉलिसिफोनिया, इनके अंदर डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होगी। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट शो रिजेंबलेंस विद एल्गी इन, तो पहला दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म, दोनों के अंदर मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़, ये भी सही है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते ब्रायोफाइट और एल्गी में, एंड प्रेजेंस ऑफ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, तो ए बी सी ये तीनों कॉमन कंपैरिजन है इसमें एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज़ ऑल ए बी सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट इफ वी स्टार्ट इट फ्रॉम इट्स डोमिनेंट फेज, पहले बता रखा है ए मियोसिस है, बी गैमेटोजेनेसिस, फिर सी है गैमेटोफाइट, सिनगैमी, जाइगोट, स्पोरोफाइट एंड जी इज स्पोर, तो पहले आएगा गैमेटोफाइट, क्योंकि लिवर वर्ट्स में डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट, तो सी से स्टार्ट होगा,
मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गए पहले ही। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होगा, सी से बी में, देन सिनगेमी होगी, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उससे स्पोरोफाइट बनेगा, फिर उसमें मियोसिस होके स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। तो सीक्वेंस हो गया सी बी डी ई एफ ए और जी, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। पहला दे रखा है कवर्ड सीड इन सीड्रस। सीड्रस क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो इसके अंदर नेक्ड सीड होते हैं, तो आंसर है इसका फोर्थ, सॉरी फर्स्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला दे रखा है द स्पोरोफाइट इज लेस एलेबोरेट देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स, तो ये गलत है। नेक्स्ट है जाइगोट डेवलप्स इंटू ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, दिस इज करेक्ट। एंड लीफी स्टेज इज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये भी सही है। मतलब ए और बी गलत है और सी और डी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिवरवर्ट्स गैमा आर। पहले दे रखा है नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, तो ये ग्रीन होते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है ग्रीन यूनिसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, ग्रीन तो सही दे रखा है लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ऑप्शन में गिवन है यूनिसेलुलर, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में बता रखा है नॉन ग्रीन एंड यूनिसेलुलर, तो ये भी गलत है क्योंकि ये ग्रीन होगा और मल्टी सेलुलर होगा, और फोर्थ में बताया है ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, तो ये सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड में आपको वेजिटेटिव बर्ड भी बता रखा है और फर्स्ट में भी, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता ये, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउन एल्गी हैव मासिव प्लांट बॉडीज, सो इट इज मैक्रोसिस्टिस एंड लैमिनेरिया। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, तो ये होता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, तो आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ पाइनस हेल्प टू टॉलरेट और विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस, तो पहला दे रखा है सनकन स्टोमेटा, जो लीफ होते हैं उसके से गड्ढे में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ताकि एक्सट्रीम कंडीशन को विदस्टैंड कर पाए, होल्ड कर पाए उसको। नेक्स्ट बता रखा है पिन्नेट लीफ, इसका कोई रोल नहीं होगा इसमें। और थर्ड है नीडल लाइक लीव्स, तो ये भी सही है, फर्स्ट और थर्ड फीचर्स होंगे पाइनस के, तो आंसर है इसका फोर्थ, दैट इज़ वन एंड थ्री। नेक्स्ट है सेलेक्ट द कॉमन फीचर अमंगस्ट जिंको सेलेजिनेला एंड स्फेग्नम, तो पहला दे रखा है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर तो गैमेटोफाइट होगा और जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। वैस्कुलर टिश्यू बता रखा है, ये भी गलत है क्योंकि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं आते, और स्फेग्नम क्या है? ब्रायोफाइट है, तो सेकंड भी गलत है। नेक्स्ट बता रखा है फ्लास्क शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन, सो इट इज़ करेक्ट, तो आंसर है इसका थर्ड। और फोर्थ भी देख लीजिए आप, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बता रखा है, और जो गैमेटोफाइट है वो सिर्फ ब्रायोफाइट में होगा डोमिनेंट फेज, और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में होता है स्पोरोफाइट, तो आंसर है इसका भी थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोस्पोरस विद डिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, सो दीज आर साइकस पाइनस एंड जिंको। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एडियंटम भी, लेकिन एडियंटम होता है होमोस्पोरस, थर्ड में भी बता रखा है एडियंटम, और फोर्थ में साइकस ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस क्या है?
होमोस्पोरस। तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है कीमो टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, सो ये डीएनए सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा और केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन। और जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है ये आता है साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर। तो आंसर होगा इसका 1 और 2, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, तो इसके अंदर ट्रिपल फ्यूजन बिल्कुल यूनिक फीचर है इसका, आप इसको बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज मैक्सिमम इन ए एंड कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आर सीन इन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है ब्राउन एल्गी में और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं रेड एल्गी में। तो ए है ब्राउन एल्गी और बी है रेड एल्गी, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी अमंग कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला इन, सो इट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है अगर प्रोड्यूसिंग जेनेरा ऑफ रोडोफाइसी आर ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, सॉरी थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर कलेक्टिवली कॉल्ड आर्किगोनिएट्स, तो देखिए जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके पास आर्किगोनिया प्रेजेंट नहीं होता और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में होता है, तो इसलिए उनको बोला जाता है आर्किगोनिएट्स। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर बी है, मतलब जो बी है उसको ब्रायोफाइट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, पी टेरिडोफाइट के लिए और जी जिम्नोस्पर्म्स के लिए, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है वन ऑफ द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इन सेलेजिनेला इज, सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड मेगास्पोरेंजियम, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है होमोस्पोरस प्लांट इज, सो इट इज लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म आर मोर एडवांस्ड देन टेरिडोफाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, सो इट इज नेक्ड सीड। इससे पता चलेगा कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो टेरिडोफाइट से एडवांस है, क्योंकि जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ बता रखा है लाइक जो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू मेन बॉडी इज पोरोफिटिक, ये तीनों दोनों में कॉमन है, तो आंसर इसका भी फर्स्ट। नेक्स्ट है पॉलन ट्यूब इज कैरियर ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमेट इन, सो इट इज फाइकस। नेक्स्ट है डायोशियस लिवरवर्ट इज, मार्केंशिया जो होता है वो डायोशियस है और ये लिवरवर्ट भी है, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स, पहला दे रखा है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइट्स, तो ये सही है क्योंकि जो एंथेरोजॉइट्स मतलब मेल गैमेट उनका ट्रांसफर होता है वाटर की वजह से, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है और ये डोमिनेंट फेज भी होगा, ये भी सही है। थर्ड बता रखा है अनडिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, तो आंसर इसका थर्ड। फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं ट्रू रूट्स, तो ये भी सही है, ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स ये सब देखे जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, सो इट इज टेरिडोफाइट। ये क्वेश्चन देखो तीसरी बार आ रहा है शायद, तो आंसर हो गया इसका थर्ड। नेक्स्ट है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स इन पॉलिसिफोनिया, और जो पॉलिसिफोनिया है ये रेड एल्गी के अंदर आता है और इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, सो इट इज पाइनस,
इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स के विंग्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला दे रखा है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, सो इट इज़ करेक्ट। सेकेंड दे रखा है, सेलेजिनेला इज हेटरोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि सेलेजिनेला और साल्विनिया दोनों में हेटरोस्पोरस होते हैं। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, तो साइकस में स्टेम्स होगी अनब्रांच और सिड्रस और पाइनस में होते हैं ब्रांच, तो ये भी गलत है। हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, तो ये जिम्नोस्पर्म्स नहीं होते, तो फोर्थ भी गलत है। तो आंसर इसका करेक्ट है फर्स्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मिसमैच, पाइनस इज डायोशियस, लेकिन ये मोनोशियस होगा, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज, सो इट इज़ वॉलवॉक्स, जिसके अंदर कॉलोनी बनती है, पेरेंट कॉलोनी भी होती है इसके अंदर और डॉटर कॉलोनी भी, तो आंसर हो गया इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर, तो एक्टोकार्पस होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक का और फ्यूकस होती है डिप्लॉन्टिक में, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है, कोनीफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, सो इनके पास क्यूटिकल थिक होती है इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस को विदस्टैंड कर लेते हैं ये, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला दे रखा है, एल्गी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, तो ये सही है। नेक्स्ट है, एल्जिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी, लेकिन जो एल्जिन है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैरागिन रेड एल्गी से, तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट गिवन है ये रॉन्ग है, तो आंसर होगा इसका सेकंड। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें बताया है कि अगर इज ऑब्टेंड फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इट इज़ करेक्ट, ये दोनों ही रेड एल्गी हैं, इसका मतलब हो गया अगर रेड एल्गी से मिलता है। फोर्थ है, लेमिनेरिया एंड सार्गेजम आर यूज्ड एज फूड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, लेकिन इनके जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म के ये वेल अडेप्टेड होते हैं, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हेटरोस्पोरस ही होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, साल्विनिया जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, लेकिन साल्विनिया आता है टेरिडोफाइट्स के अंदर और जिंको और पाइनस ये दोनों हैं जिम्नोस्पर्म के। और फोर्थ दे रखा है, सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, सो फोर्थ इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला दे रखा है, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथेन, इट इज़ करेक्ट, तभी उसे जो ब्राउन शेड्स मिलते हैं एल्गी को। सेकेंड ऑप्शन बता रखा है, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है क्योंकि एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट ही नहीं होता। नेक्स्ट है, म्यूकर हैज़ बाई फ्लैजलेट जू स्पोर्स, लेकिन जो म्यूकर है वो नॉन फ्लैजलेट जू स्पोर होते हैं उसके अंदर, तो आंसर इसका थर्ड। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो ये भी सही है, इसको ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म में होगा हैप्लॉइड एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है, मॉसेस एंड लाइकेंस आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, सेलेजिनेला इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये गलत होगा क्योंकि सेलेजिनेला और साल्विनिया कैसे होते हैं हेटरोस्पोरस। नेक्स्ट दे रखा है, कोरालॉइड रूट इन साइकस हैव वी ए एम, तो ये तो सही दे रखा है कि कोरालॉइड रूट्स साइकस में होती है, लेकिन जो वी ए एम है
VAM की फुल फॉर्म होती है वेसिक्युलर ऑर्बिक्युलर माइकोराइजा, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसके अंदर। लेकिन जो कोरोलाइड रूट है साइकस के अंदर, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है डी, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफिटिक, तो डी भी सही है। और जो ई बता रखा है, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, तो ई भी सही है। तो ए डी और ई सही है और बी और सी गलत हैं, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, तो पहले दे रखा है पाइनस। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर होगा स्पोरोफिटिक, और फ्यूनेरिया, मार्केंशिया और टेरिस इसके अंदर होता है। तो जो पाइनस है ये जिम्नोस्पर्म है, और इसके अंदर जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला दे रखा है मैनिटॉल इज स्टोर्ड फॉर्म इन स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, लेकिन रोडोफाइसी में होता है फ्लोरिडिन स्टार्च, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है एल्जिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है अगर अगर इज ऑब्टेंड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी सही है। और फोर्थ बता रखा है क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये भी सही है, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, तो पहला दे रखा है स्पायरोगायरा, इसके अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, पॉलिसिफोनिया में भी और एनोबिना में भी, तो आंसर इसका फोर्थ दैट इज एक्टोकार्पस, इसके अंदर मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, सो इट इज स्फैग्नम। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन, टेरिस, फ्यूनेरिया और पाइनस, तो इनके अंदर मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो लिलियम है वो एंजियोस्पर्म के अंदर आता है और उसमें मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होगा और उसमें सिर्फ दो सेल प्रेजेंट होंगे, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, सो आइसोगैमी और नॉन फ्लैजिलेट गैमेट किस में प्रेजेंट होंगे? स्पायरोगायरा में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला दे रखा है एन आइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर, तो ये किसी एक चीज़ में डिफर कर सकते हैं, तो पहला सही है। नेक्स्ट है इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होना चाहिए और वो नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट होता है स्मॉल और मोटाइल, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है क्लैमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एनआइसोगैमी एंड फ्यूकस शो ओगैमी, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, अब देखिए नाम में ही आइसोगैमेट आ गया, आइसो मतलब सेम, तो इसमें स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर भी सेम होगा गैमेट्स का, तो आंसर है इसका सेकंड, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शो अकरेंस ऑफ, सो इट इज़ जो पहले ऊपर की तरफ होता है ओगोनियम एंड नीचे की तरफ होता है एंथेरिडियम ऑन द सेम प्लांट, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम, तो पहला स्टेटमेंट गिवन है इन लिवरवर्ट मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, इट इज़ करेक्ट। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस, ये भी सही है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ओगैमस, ये भी सही है, सी ऑप्शन मतलब जो सी स्टेटमेंट है ये भी सही है।
और जो डी गिवन है, स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर एलैबोरेट देन दैट इन मॉसेस। मोर एलैबोरेट होता है देन लिवरवर्ट्स। जो ई गिवन है, बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस, तो पाइनस होता है मोनोशियस, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए बी सी तीन सही है और डी और ई मतलब दो गलत हैं, तो आंसर होगा इसका सेकंड, दैट इज़ थ्री। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्गली मैच्ड। पहला दे रखा है जिंको, जिंको है जिम्नोस्पर्म का और इसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा। साल्विनिया में बता रखा है प्रोथैलस, इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक, इनके अंदर जाइलम फाइबर्स नहीं होते, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, तो इनके अंदर मल्टीप्लीकेशन होती है बाई फ्रेगमेंटेशन, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, तो इन दोनों में स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स में होते हैं, तो पहला हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, सो इट इज़ करेक्ट, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर एज आस्ड नेक्स्ट टू देम, तो पहला दे रखा है इन इक्विसेटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, तो जो इक्विसेटम होता है वो होमोस्पोरस है और जो फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट है, ये स्टेटमेंट होता है हेटरोस्पोरस के लिए, तो ये ए स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, इन जिंको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, द स्पोरोफाइट इन रीशिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम, तो रीशिया आता है लिवरवर्ट्स में और पॉलीट्राइकम आएगा मॉस के अंडर, और हम जानते हैं कि जो मॉस का स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका गलत। नेक्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगैमस, लेकिन वॉलवॉक्स में होगा ओगैमस, तो डी भी गलत है। नेक्स्ट है, द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल, लेकिन इनके पास सेल वॉल होती है, तो ई भी गलत है। सो पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो देखिए ए सी डी और ई, ए गलत है और जो बी है ये करेक्ट है, तो आंसर होगा फोर्थ, दैट इज़ वन। नेक्स्ट है, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज, तो आंसर होगा इसका सेकेंड, दैट इज़ एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, एग्जामाइन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग ऑल द फोर पार्ट्स ए बी सी डी करेक्टली आइडेंटिफाइड, तो ए है आर्किगोनियोफोर और बी है फीमेल थैलस, सी होगा गैमा कप और डी है राइजोइड्स, आप इसको ऐसे ध्यान रखना आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर में डिफरेंस का, अगर आर्किगोनियोफोर है तो ऐसे अच्छे से अरेंज होगा ऐसे डिज़ाइन में, और जो एंथेरिडियोफोर होता है वो ऐसे ही इरेगुलर होगा, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। पहला दे रखा है स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलैबोरेट देन दैट इन मॉसेस, तो ये गलत है क्योंकि मॉस का स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होता है। बी दे रखा है साल्विनिया इज हेटरोस्पोरस, ये करेक्ट है, और सी बता रखा है द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कॉन्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, तो ये गलत है क्योंकि ये सेम ट्री के ऊपर डेवलप होंगे, तो आंसर इसका ए एंड डी आर रॉन्ग, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन,
सो इट इज़ मार्केंशिया, आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्री लिविंग जनरेशन इन, तो जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट किस में नहीं होता, तो ये जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो जो पाइनस है पहला ऑप्शन, ये जिम्नोस्पर्म है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, कंपेयर टू द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट एंड गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट टेंड टू बी, सो इट इज़ स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रायोफाइट है उसके कंपैरिजन में वैस्कुलर प्लांट्स का गैमेटोफाइट होगा छोटा, और उनकी जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी छोटे होंगे, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोशियस, सो पाइनस इसके अंदर मेल और फीमेल कॉन्स एक ही ट्री के ऊपर होते हैं, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, सो इट इज़ स्फैग्नम। नेक्स्ट है, एग्जामाइन द फिगर्स ए बी सी एंड डी इन विच ऑफ द फोर ऑप्शन ऑल द आइटम्स ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, तो देखिए ए है सेलेजिनेला, बी है इक्विसेटम, सी है साल्विनिया का स्ट्रक्चर, और जो डी दे रखा है ये जिंको है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस, तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 3-4 बार आ गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोनोशियस इनमें से कौन से हैं, पाइनस, क्योंकि मेल और फीमेल कौन एक ही ट्री के ऊपर होंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सो इट इज़ ओस्टिलेगो, एल्की है, इसलिए इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, सो इट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन, तो ये होगा ब्राउन एल्गी में, और इसमें बता रखा है पोरीफायरा, ये होगी रेड एल्गी के अंदर, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया है रेड एल्गी, और कारा है ग्रीन एल्गी, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, सो इट इज़ हेट्रोस्पोरी, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग जेनेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म्स, तो जो जेनेटम है वो साइकस और पाइनस से कैसे डिफ्रेंशिएट है, और उसकी एंजियोस्पर्म के साथ कैसे सिमिलैरिटीज़ है, ये बताना है इसके अंदर। तो जेनेटम होता है उसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेसल्स होंगे जाइलम के अंदर, जो कि साइकस और पाइनस से डिफ्रेंशिएट करेगा उसको, तो आंसर इसका थर्ड, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट। और एंजियोस्पर्म के साथ सिमिलैरिटी इसलिए होगी क्योंकि एंजियोस्पर्म में भी और जेनेटम में भी दोनों में आर्किगोनिया एब्सेंट होगा, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, तो ड्रायोप्टेरिस, इक्विसेटम, एडेंटम, ये तीनों हैं होमोस्पोरस, और साल्विनिया और सेलेजिनेला कैसे होंगे, हेट्रोस्पोरस, तो आंसर इसका थर्ड। तो नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डो नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सिड्रस, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है, इन द प्रोथैलस ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम द एंथरोजॉइड एंड एग्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, ताकि उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज, तो हम बाहर से तो देख के यही बता सकते हैं ना कि कौन सी रेड कलर की है, कौन सी ब्राउन की है और कौन सी ग्रीन की है, उसके बेसिस के ऊपर ही हम उसको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, दैट इज़ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दी सेल। नेक्स्ट है,
Flagellated male gametes are present in all the three of which one of the following set? तो रेशिया, ड्रायोप्टेरिस एंड साइकस, इनमें मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होंगे, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट है, इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट, सो इट इज़ अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर डिसमिनेशन इन सम लेवर बर्ड्स इज एडेड बाय, सो आंसर इसका इलेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस पीट इज यूज एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है मॉस का, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. नेक्स्ट है, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन, सो इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो आंसर इसका फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉस द स्पोरोफाइट, सो इट इज़ पार्शियली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है उस पर, स्पोरोफाइट डिपेंडिंग होगा गैमेटोफाइट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद कॉलम वन विद कॉलम टू. पहला दे रखा है पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, इट इज़ एस्कर्शिया कोलाई, लिविंग फॉसिल में आएगा जिंको और राइजोफोर सेलेजिनेला, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है वॉल्फिया और लार्जेस्ट पर एनियल एल्गा है माइक्रोसिस्टिस. तो देखिए, ए का हो गया थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का फाइव और ई का सेकंड, तो आंसर इसका फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप शेप्ड मल्टीसीलिएट मेल गैमेट एंड द मैच्योर सीड विच अपीयर्स ओनली वन एम्ब्रियो विद टू कॉटिलीडन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सो इट इज साइकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसिडर्ड इज, तो नेचुरल सिस्टम में देखा जाता है ये, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन, तो ये कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो आंसर इसका फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, सो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, तो इसमें हमको मिसमैच बताना है. पहला है नॉस्टॉक वाटर ग्लूम्स में, ये सही है. स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट बता रखा है, लेकिन स्पायरोगायरा में जो गैमेट्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला नहीं होगा, तो ये नॉन मोटाइल होने चाहिए, तो मिसमैच हो गया सेकंड, तो आंसर भी है सेकंड. नेक्स्ट है, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, तो इसमें आइसोगैमी भी होगा, ओगैमी भी और एनआइसोगैमी भी, तो आंसर है इसका फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गा एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, सो क्लोरेला सोर्स ऑफ प्रोटीन है. नेक्स्ट है, यूरोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, सो इट इज़ अ फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज, सो इसका आंसर होगा फोर्थ, दैट इज फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, सो इट इज़ प्रोटीनेशियस सेंटर और इसमें स्टार्ची शीट प्रेजेंट होती है ताकि जो प्रोटीन है वो बीच में रहे और स्टार्च जो है वो बाहर की कवरिंग पे रहे, तो आंसर इसका फर्स्ट. नेक्स्ट है, ब्राउन एल्गी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, जिससे ब्राउन शेड्स होती है ब्राउन एल्गी के अंदर, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक फिलामेंट्स प्रोड्यूसेस, तो ये आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो आंसर होगा इसका थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, तो ये मार्केंशिया में देखा जाएगा. नेक्स्ट है, इन ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडिंग होता है गैमेटोफाइट्स पे, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम
इज कॉल्ड एम्फीबियंस। तो ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। तो ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं और एल्गी में नहीं होते। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इससे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे। और इन दोनों का ही थैलॉइड बॉडी होती है और इन दोनों में ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ मतलब वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, पोजेस आर्किगोनिया। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज। क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एग के पास जाने के लिए। तो आंसर होगा इसका सेकेंड, दैट इज़ द स्पर्म्स कैन ईजिली रीच अप टू एग इन दी आर्किगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स कंप्राइजेस। तो आंसर होगा इसका, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथेरोजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया आर। तो ये होंगे बाइसिलिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस दैट इज फ्यूनेरिया इज। सो इट इज प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट। तो इनकी थैलॉइड बॉडी होती है, इनके पास आर्किगोनिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो जो पहला दे रखा है, दे आर थैलॉइड, दे पोजेस आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तीनों ही स्टेटमेंट सही है ब्रायोफाइट्स के लिए। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजॉइड एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये कुछ ब्रायोफाइट्स में देखे जाते हैं। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, इलेटर ऑफ स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म इज एग्जिबिटेड बाई। तो ये मार्केंशिया में देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन। तो ये लिवरवर्ट में देखे जाएंगे। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। सो इट इज इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाई इट्स लीफ टिप्स। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड्स। तो जो ट्रेडोफाइट्स है उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होंगे लेकिन उसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो सेकेंड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू भी होंगे और सीड्स भी होंगे। और एल्गी और ब्रायोफाइट्स में ना सीड होंगे और ना ही वैस्कुलर टिश्यू। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्वेटिक फर्न परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इट इज अजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न आर ग्रुप्ड अंडर जनरल टर्म। सो इट इज क्रिप्टोगैम्स। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। तो आंसर इसका एक्वेसेटम, क्योंकि टेरिडोफाइट्स आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाई अ प्लांट पोजेसिंग। सो इट इज लिग्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज कॉमन इन ऑल थ्री, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंको। तो इन तीनों में ही आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइनस द विंग ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम। तो ये ओव्यूलीफेरस स्केल होते हैं, इससे सीड के विंग्स डेवलप होंगे। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, दैट इज इट्स जाइलम इज कम्पोज ऑफ जाइलम वेसल्स, क्योंकि इसके अंदर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन। सो इट इज साइकस, इसके अंदर लार्जेस्ट स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। तो ये पाइनस और साइकस इन दोनों में होंगे। तो आंसर है इसका फोर्थ, दैट इज बोथ वन एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज।
सो ये हैप्लॉयड होता है, और यहाँ पर अगर एंजियोस्पर्म होता तो ट्रिप्लॉयड आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेट इज। तो अभी हमने देखा जो लार्जेस्ट स्पर्म है वो एक गैमेट ही है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट था, जिम्नोस्पर्म में, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स। तो जो पाइनस है जिम्नोस्पर्म्स, उनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन सीड्स होंगे, तभी तो इनको बोला जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस हैव टू कॉटिलीडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, क्योंकि इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, इनकी कोई भी ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिविंग फॉसिल। सो इट इज़ साइकस, यहाँ पर जिंक को भी आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। तो जो सिनगैमी है ये सभी एंजियोस्पर्म में होता है, क्योंकि ये स्पेशली एंजियोस्पर्म के लिए है एक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन बोलो या फिर सिनगैमी, तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स। तो फर्न और फ्यूनेरिया, इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ अडेप्टिबिलिटी इन एडवर्स हैबिटेट। तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कोई भी अगर एक्सट्रीम कंडीशन दी जाए या फिर जो फेवरेबल कंडीशन है उन दोनों में, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक प्लेस थ्रू। तो ये सीव एलिमेंट से होंगे, तो आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन इज। सो क्लोरेला इज यूज एज फूड सप्लीमेंट्स, तो आंसर है इसका सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके प्लांट किंगडम के, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।